Yes. Good morning, students. Welcome back in my class, Physics by Ankit sir. In last class, we have discussed about cell. ठीक है. What is cell? Cell क्या होता है? Cell एक device है. Cell क्या एक छोटा सा device है, जो chemical energy को किसमें change करता है? Electrical energy में. ठीक है. Electrical energy में change करने के बाद ये क्या provide करता है हमें? ये हमें कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करता है. क्या प्रोवाइड करता है? कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस. पोटेंशियल डिफरेंस क्यों चाहिए? बिकॉज इफ देयर इज पोटेंशियल डिफरेंस, इफ देयर इज पोटेंशियल डिफरेंस देन करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग. ठीक है. अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं रहेगा तो करंट फ्लो नहीं करेगा. अगर पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा तभी क्या होगा? करंट फ्लो करेगा. ठीक है. तो करंट फ्लो कहां से कहां करता है? करंट फ्लो करता है हाई से लो. करंट का प्रोडक्शन क्या होता है? हाई से लो. ठीक है. हाई से लो. ठीक है. अब देखिए, टुडे वी डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ सेल. सेल को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. सेल को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. तो इसमें जो केमिकल होता है वो दो तरह का होता है. एक केमिकल जिसको हम वन टाइम यूज कर सकते हैं, एक केमिकल जिसको हम क्या करते हैं? वन टाइम यूज कर सकते हैं. ठीक है. तो उस सेल को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी सेल. अगर एक ऐसा सेल है जिसमें जो केमिकल है वो एक बार ही यूज हो रहा है, क्या हो रहा है? एक बार ही यूज हो रहा है. एक बार यूज किए खराब हो गया, इलेक्ट्रिक केमिकल्स, उसका केमिकल्स केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हो गया, तो अब उसको यूज दोबारा नहीं कर सकते हैं, तो उस सेल को बोलते हैं प्राइमरी सेल. बट केमिकल रिएक्शन को अगर हम बार बार रिपीट कर सकते हैं, रिपीट एंड रिपीट कर सकते हैं, केमिकल रिएक्शन को रिवर्स कर सकते हैं. ठीक है. एक केमिकल रिएक्शन होता है जो रिवर्सिबल होता है. केमिकल रिएक्शन क्या होता है? रिवर्सिबल. केमिकल रिएक्शन अगर रिवर्सिबल है तो उस केमिकल रिएक्शन, रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन से हमारा बनता है सेकेंडरी सेल. इसमें क्या होता है? ए सेल विच कैन बी यूज अगेन एंड अगेन बाय चार्जिंग. चार्ज करेंगे फिर उसको यूज करेंगे फिर डिस्चार्ज हो जाएगा, फिर चार्ज करेंगे फिर उसको यूज करेंगे फिर डिस्चार्ज होगा, तो उसको बोलते हैं सेकेंडरी सेल. अब दोनों सेल्स के बारे में डिस्कस करते हैं. प्राइमरी सेल का क्या यूज है? देखिए, प्राइमरी सेल्स क्या होते हैं? ये चीप होते हैं. प्राइमरी सेल क्या होते हैं? ये चीप होते हैं, चीपर इन कॉस्ट होता है, और ये इजिली कहीं भी इसको यूज कर सकते हैं. आसानी से इसको इजिली कहीं भी किसी भी ओरिएंटेशन में किसी भी डायरेक्शन में इसको यूज कर सकते हैं. इजिली यूज होता है. ठीक है. चीपर इन कॉस्ट होता है, इजिली यूज कर सकते हैं. बट सेकेंडरी सेल ये क्या होता है? कॉस्टली होता है. ये क्या होता है? कॉस्टली. और इसको यूज हम लोग इजिली यूज नहीं कर पाते हैं. इसको हमें एक ओरिएंटेशन चाहिए, एक जगह पर रखा होना चाहिए. अगर इसको हम प्लेस वन प्लेस टू अदर प्लेस करते हैं तो ये हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है. ठीक है. जैसे आपके घर में इन्वर्टर होगा ना, इन्वर्टर का जो बैटरी होता है, क्या इसको हम एक जगह से दूसरी जगह तक कैरी करते हैं या फिर एक जगह पर रख देते हैं? एक जगह पर रख देते. ठीक है. इजिली यूज नहीं होता है और ये कॉस्टली होता है. लेकिन अभी जो सेकेंडरी सेल आने लगे हैं वो काफी ज्यादा एडवांस आने लगा है. ठीक है. लिथियम पॉलीमर, लिथियम आयन सेल, लिथियम आयन सेल और लिथियम पॉलीमर सेल, ये काफी ज्यादा इफिशियंट होते हैं, जो हम लोग अभी आजकल मोबाइल फोन और टैबलेट में यूज करते हैं. ठीक है. मोबाइल फोन्स को हम लोग आसानी से चार्ज करते हैं. चार्ज करते हैं ना मोबाइल फोन्स को, बैटरी को. यस या नो? यस सर. ये लेड एसिड सेल. लेड एसिड सेल कौन सा है? जो हम लोग कार में या इन्वर्टर में यूज करते हैं. ये किस में यूज करते हैं? कार में और इन्वर्टर में. कार में और इन्वर्टर में. ठीक है. लिथियम आयन सेल, अगर आप लोग सेलफोन को, सेलफोन के बैटरी को ओपन करके देखोगे तो उसमें देखिएगा लिखा हुआ लिथियम आयन सेल 4.5 वोल्ट. ठीक है. आप लोग नोकिया या फिर सैमसंग का जो फोन पहले आता था उसमें आप लोग देखे होंगे छोटा सा बैटरी रहता है. यस सर. ठीक है. उसमें देखिएगा लिथियम आयन सेल, Li, लायन सेल आपको दिखाई देगा. ठीक है. दोनों समझ में आ गया, प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल. क्लियर हुआ? प्राइमरी सेल में क्या होता है? ऐसा सेल जिसको हम एक बार ही यूज करेंगे. ये कहाँ यूज करते हैं? तो हम लोग क्लॉक में यूज करते हैं, टॉर्च में यूज करते हैं, है ना, रेडियो में यूज करते हैं. ये सब क्या होता है? एक बार ही यूज कर पाते हैं. क्यों? क्योंकि इसका केमिकल एक बार यूज कर लिए, दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं. बट सेकेंडरी सेल में क्या होता है? एक ऐसा सेल
जिसको हम अगेन एंड अगेन यूज कर सकते हैं, बाय चार्जिंग, बाय चार्जिंग। एक बार केमिकल रिएक्शन खत्म हो गया, फिर से चार्ज करेंगे, फिर से चार्ज स्टोर हो गया अपने पोजिशन पर, फिर से हम उसको यूज कर सकते हैं। बताइए क्लियर हुआ सब लोग चैट में बताइए। देखिए सेकेंडरी सेल कैसे काम करता है इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। देखिए बैटरी में दो टर्मिनल होता है, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, ठीक है। अब यहां पर जो चार्ज है, यहां पर जो चार्ज है, ठीक है, यहां पर जो चार्ज है और यहां पर जो चार्ज, ठीक है, जैसे ही करंट को हम फ्लो करवाते हैं तो पॉजिटिव से निगेटिव जाएगा, जैसे ही फ्लो करवाएं करंट तो क्या हो गया, पॉजिटिव से निगेटिव में चला गया, ठीक है। अब करंट जब पॉजिटिव से निगेटिव में जाता है तो दोनों पर नंबर ऑफ चार्ज क्या हो जाता है, दोनों पर नंबर ऑफ चार्ज इक्वल हो जाता है। जब दोनों पर नंबर ऑफ चार्ज क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, तो इसको हम बोलते हैं डिस्चार्ज। क्या बोलते हैं? डिस्चार्ज। अब इसको हम इलेक्ट्रिसिटी से, जब इसको हम इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज करते हैं तो फिर से क्या होता है, यहाँ पर जो चार्ज है निगेटिव टर्मिनल पर, जो चार्ज है निगेटिव टर्मिनल पर, जो चार्ज है वो कहाँ चला जाता है, निगेटिव टर्मिनल पर जो चार्ज है वो फिर से रीस्टोर हो जाता है किस पर, पॉजिटिव पर। फिर से कहाँ चला जाता है, पॉजिटिव पर। अब फिर से इस पर देखिए, इस पर नंबर ऑफ चार्ज ज्यादा है, इस पर नंबर ऑफ चार्ज क्या है, कम है, तो फिर से मेरा बैटरी क्या हो गया, चार्ज हो गया। फिर से मेरा बैटरी क्या हो गया, चार्ज। अब फिर बैटरी को हम दोबारा यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से सेकेंडरी सेल होता है, इसका जो चार्ज होता है, इसका जो चार्ज पॉजिटिव से निगेटिव और फिर निगेटिव से पॉजिटिव पर वापस लाया जा सकता है, किसके हेल्प से, इलेक्ट्रिक करंट के हेल्प से, चार्जिंग मेथड के हेल्प से। चार्जिंग मेथड से करते हैं तो फिर से इसका केमिकल क्या हो जाता है, रिस्टोर होता है और ये दोबारा हम लोग यूज कर सकते हैं। कितना लाइफ साइकिल होता है इसका, जो मिनिमम लाइफ साइकिल होता है 1000 टाइम्स, ठीक है। इसका जो लाइफ साइकिल कितना होता है, 1000 टाइम्स, क्लियर। 1000 बार इसको चार्ज डिस्चार्ज कर जाते हैं, उसके बाद ये लाइफ क्या होने लगता है, डिक्रीज कर जाता है। इसके बाद लाइफ क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बैटरी, ठीक है। हम लोग जनरली सेल को ही क्या बोल देते हैं, बैटरी बोल देते हैं, बट ये डिफरेंस है। सेल एक होता है छोटा सा, स्मॉल यूनिट को क्या बोलते हैं, सेल। और सेल को कंबाइन कर देते हैं, सेल का कॉम्बिनेशन हो जाता है, सेल का क्या होता है, कॉम्बिनेशन, तो क्या बन जाता है, बैटरी, ठीक है। हम लोग सिंपल सा लैंग्वेज में सेल को भी क्या बोलते हैं कि बैटरी खत्म हो गया, कोई बात नहीं। सेल और बैटरी में आपको डिफरेंस समझ में आ गया, सेल क्या है, सबसे स्मॉल यूनिट, सिंगल यूनिट। अगर बैटरी एक ही है तो उस बैटरी को क्या बोलेंगे, सेल बोलेंगे, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर बहुत सारा सेल है तो उस कॉम्बिनेशन को बोलते हैं बैटरी। बैटरी का मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, क्लियर। बैटरी का मतलब क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, क्लियर, ठीक है। देखिए व्हेन टू और मोर सेल, ठीक है, यहां पर वन नहीं होगा, ठीक। व्हेन टू और मोर सेल्स आर अरेंज टुगेदर, ठीक है। अब अरेंज यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, अरेंज्ड। तो अरेंज किस तरह से करेंगे, उसको हम दो कॉम्बिनेशन में अरेंज कर सकते हैं, दो या तीन में भी कर सकते हैं, ठीक है। व्हेन टू और मोर सेल्स आर अरेंज टुगेदर देन इट फॉर्म्स ए बैटरी। बैटरी का सिंबल क्या है, बैटरी का सिंबल देखिए, अब यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल है, फिर क्या आया, निगेटिव, फिर क्या आया, पॉजिटिव, और फिर क्या आया, निगेटिव, ठीक है। यानी एक तरफ फाइनली एक तरफ पॉजिटिव होना चाहिए और एक तरफ निगेटिव होना चाहिए, ठीक है। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, क्या पढ़ेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, किस तरह से कॉम्बिनेशन हम लोग करते हैं। देखिए तो पहला कॉम्बिनेशन है, उसको हम लोग बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल में पहला क्या हम लोग पढ़ेंगे, फर्स्ट पढ़ेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है।
अब ये सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है इसको देखिए, आप सबको बैटरी दिख रहा है यहाँ पर, है ना? बैटरी दिख रहा है यहाँ पर, कितना बैटरी है, कितना सेल यहाँ पर है, कितना सेल है? 3 सेल है। अब बताइए जो ये वाला एंड है ये क्या होता है, पॉजिटिव कि नेगेटिव? नेगेटिव। और ये वाला जो ऊपर जो उठा हुआ वो कौन सा एंड है? पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ पर 3 सेल है, फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड। ठीक है, फर्स्ट का ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, क्लियर? सेकंड का ये वाला कौन सा एंड हो जाएगा? नेगेटिव। और ये वाला कौन सा एंड हो जाएगा? पॉजिटिव। थर्ड का ये कौन सा सेल, कौन सा एंड हो जाएगा? ये नेगेटिव। और ये कौन सा हो जाएगा? पॉजिटिव। ठीक है, यानी आप तो देखिए फाइनली लेफ्ट एंड में हमको क्या मिल रहा है, लेफ्ट एंड में हमको क्या मिल रहा है? नेगेटिव मिल रहा है। और राइट एंड में क्या मिल रहा है? पॉजिटिव। ठीक है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन कैसे करेंगे इसको लिखेंगे, इन दिस कॉम्बिनेशन पॉजिटिव एंड ऑफ फर्स्ट सेल। ठीक है, फर्स्ट मतलब फर्स्ट और वन। ठीक है, फर्स्ट और वन में क्या डिफरेंस है? वन का मतलब होता है एक, यानी कि वहां पर कोई एक बैटरी है, एक आदमी है, एक स्टूडेंट है, एक पेड़ है, कुछ भी हो सकता है। फर्स्ट का मतलब पहला, यानी कि अगर वहां पर बहुत सारे लोग हैं तो लाइन में सबसे पहले कौन है, तो उसको बोल देंगे फर्स्ट। ठीक है, यहाँ पर 3 सेल है, यहाँ पर क्या है? 3 सेल। तो फर्स्ट कौन सा? ये वाला है। फर्स्ट कौन सा है? ये वाला है। तो फर्स्ट सेल का कौन सा है टर्मिनल? फर्स्ट सेल का कौन सा टर्मिनल बोलिए? नेगेटिव। फर्स्ट सेल का पॉजिटिव ना है ये, फर्स्ट सेल का कौन सा टर्मिनल है? पॉजिटिव। इन दिस कॉम्बिनेशन पॉजिटिव एंड ऑफ फर्स्ट सेल इज कनेक्टेड, पॉजिटिव एंड ऑफ फर्स्ट सेल इज कनेक्टेड, किससे कनेक्ट किया गया है? पॉजिटिव एंड ऑफ फर्स्ट सेल इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव, टू द नेगेटिव एंड ऑफ, किसका? नेगेटिव एंड ऑफ, नेगेटिव एंड किसका है? नेगेटिव एंड किसका? यस, सेकंड सेल। सेकंड मतलब उसके बाद वाला, पहला के बाद दूसरा वाला, सेकंड सेल एंड सो ऑन। और इसी तरह से ये क्यों लिख दिए? क्योंकि आप इसके आगे जोड़ सकते हैं खुद से, एंड पॉजिटिव एंड ऑफ सेकंड सेल इज कनेक्टेड, पॉजिटिव एंड ऑफ सेकंड सेल इज कनेक्टेड किससे? नेगेटिव एंड ऑफ थर्ड सेल। ठीक है, अब यहाँ पर हम ये भी लिख सकते हैं ना, यहाँ पर लिख सकते हैं फिर से, पॉजिटिव एंड ऑफ थर्ड सेल इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव एंड ऑफ फोर्थ सेल। ठीक है, एंड सोन का मतलब इसी तरह से, एंड सोन का मतलब इसी तरह से आप इसको कनेक्ट करते जाइए। ठीक है, सबको समझ में आ गया ये बात? आज के लिए इतना ही रखते हैं, आपको हम नेक्स्ट क्लास में और बताएंगे सीरीज कॉम्बिनेशन।